प्लीज कम इन, आइए। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। ये टोकन हमें दे दीजिए और जाकर बैठे। नंबर याद कर लिया आपने? बैठे। तो अब आपका कास्ट और आपका नाम थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ये ही आपका परिचय है 1990। इस नंबर के साथ अपना परिचय बोर्ड को दें। मैंने अपना स्नातक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध किशोर कुमार डिग्री कॉलेज से वर्ष 2014 में राजनीति विज्ञान, प्राचीन इतिहास और रक्षा अध्ययन विषय के साथ कम्प्लीट किया है। तत्पश्चात मैंने अपना परास्नातक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में 2016 में कम्प्लीट किया है। मेरी हॉबी है सर फिल्में देखना और उसमें सोशल इशू से जुड़ी हॉबी। अच्छा, और भी कुछ बताना चाहेंगे? सर मूल निवासी मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। अच्छा, कोई अभी तक की जिंदगी में अपने सेल्फ एनालिसिस, हर व्यक्ति अपनी आत्म अवलोकन जरूर करता है, तो इस आत्म अवलोकन में कुछ ऐसा पता चला कि आपकी दो स्ट्रेंथ क्या है और एक वीकनेस क्या है? सर दो स्ट्रेंथ में सर मुझको ये लगता है कि एक तो संवेदनशीलता का गुण मेरे अंदर है और दूसरा सर धैर्य है, क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते समय धैर्य मुझे एक संबल प्रदान करता रहा। और कोई वीकनेस? वीकनेस में सर इस परीक्षा के दौरान एक ये रहा कि स्पष्ट वाक्यता वीकनेस कही जा सकती है, क्योंकि सोशल जो मेरे रिलेशंस हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं मिल पाते दोस्तों के साथ सर, स्पष्ट वाक्यता। अच्छा, तो संवेदनशीलता कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे आपने कहा हम नहीं मानते कि संवेदनशील हैं आप, कोई ज़िंदगी की कोई भी घटना जिसमें आपका ये परसेप्शन या ये एट्रीब्यूट हम लोग को पता चले कि आप सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं? सर सेंसिटिविटी एक तो परिवार और उसमें जो मेरे दादाजी थे बेसिकली उनकी वजह से मिली, और दूसरा सर ये जो मेरे संविधान के, भारतीय संविधान के मूल्य हैं उनमें सर जो वंचित वर्ग और जो समाज के निम्न वर्ग हैं उनके प्रति जो प्रावधान किए गए हैं उनको पढ़ने के बाद ये लगा सर धीरे धीरे उसका विकास हुआ जीवन। अच्छा, आप तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, ऑप्शनल भी आपने पीएसआईआर ही चुना है, आपको सबसे जो फेवरेट थिंकर है आपके पॉलिटिकल साइंस में वो कौन है? सर एक तो चाणक्य के इसको पसंद करते हैं थिंकर के रूप में। अच्छा, बड़ा अभी विभेद है, चाणक्य कौटिल्य एक ही थे क्या? सर उसमें नाम में अंतर है लेकिन एक और नाम है उनका ऑफिशियल, विष्णुगुप्त। क्यों आपको अच्छे लगे चाणक्य, और खासकर 21वीं सदी में 2023 में कोई पीएसआईआर का लड़का ये बोल रहा है कि हमें चाणक्य अच्छे लगे? सर वो पीएसआर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो उनके विचार हैं उसमें से रियलिज्म है और वो रियलिज्म आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत के लिए भी प्रासंगिक है, और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वातावरण होता है उसके अनुरूप जो उन्होंने विचार दिए हैं वो आज भी प्रासंगिक है, इस लिए थोड़े अच्छे लगते हैं विचार। तो दो बातें ऐसी बताइए जो आपको लगता है कि आज भी चाणक्य विचार प्रासंगिक हैं, खासकर इंटरनेशनल रिलेशन में। उसमें सर एक तो मंडला थ्योरी है चाणक्य जी की, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि अपने राज्य अपने संबंधों का संचालन कैसे करते हैं, किस प्रकार करना चाहिए, और उन्होंने जो पड़ोसी राज्य है उनके बारे में बताया है मंडला सिद्धांत के माध्यम से। और दूसरा सर ये है कि जो उनकी सटगुण नीति है कि जिसके माध्यम से हम अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये ठीक लगता है कि वो बताते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और इन जनरल ये भी बताते हैं कि पड़ोसी जो है दुश्मन होता है, पड़ोसी का जो अगला पड़ोसी मंडल सिद्धांत जो आपने कहा वो दोस्त होता है, ये आज के दौर में ठीक है ये? अगर सर भारत और चीन के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिद्धांत सही प्रतीत होता है, लेकिन यदि हम बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के संदर्भ में देखें तो ये उतना अधिक प्रासंगिक नहीं है, लेकिन अधिकतर मामलों में ये दिखाई पड़ता है कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध इतने मधुर नहीं होते। अच्छा, जब चाणक्य ने इतनी अच्छी किताब लिखी गवर्नेंस पे, पॉलिटिकल सिस्टम पे, और ऑब्वियसली अभी भी प्रेरणा मिलती है जैसा आप बता रहे हैं, तो उसका नाम अर्थशास्त्र क्यों रखा, राजनीति शास्त्र क्यों नहीं रखा? सर अर्थ में उन्होंने सब चीज़ों को समाहित किया है, क्योंकि अर्थ ही मूल तत्व था जिसके माध्यम से राजा अपनी शक्ति प्राप्त करता है और उसको बनाए रखने का प्रयास करता है, इस वजह से सर। अच्छा, एक जगह वो विमर्श करते हैं, देखा होगा टैक्सेशन उनके हर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है राज्य के संचालन में, शायद आप यही कहना चाहते हैं। कोस की बात करते हैं उनके सब भी जगह है, एक जगह वो कहते हैं कि जिस तरह मछली तालाब या समुद्र में रहती है तो चलते चलते या तैरते तैरते कुछ बूंदे उसके पेट में चली जाती हैं, वैसा ही अधिकारियों के साथ भी होना चाहिए,
चूंकि अधिकारी, कर अधिकारी खासकर वो टैक्सेशन से जुड़े हैं, वो हमेशा वित्त की बात करते हैं, तो कुछ पैसा अगर आ जाता है तो ऐसा करप्शन करप्शन नहीं है। आपका क्या मानना है? ये जो मछली और पानी का उदाहरण था, ये भ्रष्टाचार को लेकर था कि जैसे मछली समुद्र के जल में, नदियों में का पानी पी लेती है, कोई नहीं जान पाता है, उसी तरीके से जो वित्त का प्रबंधन करने वाले लोग होते हैं वो कब भ्रष्टाचार कर लेते हैं उसका पता लगाना मुश्किल है। लेकिन इसके साथ उन्होंने इसके उपाय भी बताए थे कि कैसे राजा को इन पर नियंत्रण रखना चाहिए। उसमें गुप्तचर हो गए और राजा स्वयं अपना उसकी दिनचर्या बटी थी जिसमें वो इन कार्यों को भी देखता था कि कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं प्रशासक वर्ग। अच्छा, जब उन्होंने गुप्तचर प्रणाली को लेकर बहुत कहा कि एकदम सशक्त होना चाहिए, नाक कान आँख होना चाहिए, और आप देखें तो मौर्यन एम्पायर में एक बहुत बड़ा तंत्र था, लेकिन आजकल तो किसी भी बात पे आप देखिए, अगर हम कोई मोबाइल पे आने लगता है कि नहीं भाई पेगासस सुना है आपने, तो इस तरह से विवाद हो जाते हैं। राज्य की संप्रभुता के लिए, लोगों के विकास के लिए अगर गुप्तचर तंत्र सरकार रखती है तो दिक्कत क्या है? सर, गुप्तचर तंत्र अगर सरकार रखती है, वैसे भारत में है भी, तो उसका कोई नुकसान है, लेकिन जब वो नागरिकों के अधिकारों पर अतिक्रमण होने लगता है और उसके ऊपर कोई चेक और बैलेंस नहीं रहता है, तो एक उस पर आरोप लगते हैं कि ये राष्ट्र की और जो नागरिकों के अधिकार है उस पर एक हनन है, और इस तरह से पूरी तरीके से छूट नहीं दी जानी चाहिए राज्य को कि आप संप्रभुता और सुरक्षा के नाम पर नागरिकों के अधिकारों को सीमित कर दें। अच्छा, अभी बहुत सारे विदेशी संस्थाएं, बहुत सारे बिलीनियर्स इस भारत की सरकार को कह रहे हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है इसके पास। एक ने तो इतना कह दिया कि मैं $1 बिलियन तक खर्च कर दूंगा। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कॉन्स्पिरेसी चल रही है। तो क्या आपको क्या लगता है, ये सब चीज़ें एक साथ जुड़ती हैं या इंसिडेंसली, मतलब संयोग बस अलग अलग घटनाएं हैं? सर, ये जो आज के समय में चल रहा है इसमें ये देखा जा रहा है कि कहीं भी अगर एक कोई संस्था कुछ ऐसा जारी करती है तो 2-3 एक साथ घटनाएं शुरू हो जाती हैं, तो उसमें सरकार भी अपनी तरफ से ये कह रही है कि ये भारत के प्रति एक सेलेक्टिव अप्रोच है इन लोगों का, और यदि सर कोई भारत के लोकतंत्र पर उंगली उठाता है तो ये गलत है, क्योंकि हमारा देश जो है एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ी जनसंख्या यहाँ पे है, स्वतंत्र न्यायपालिका प्रेस है सर, यहाँ पे स्वतंत्र प्रेस है, तो इस आधार पर हम नहीं कह सकते कि भारत में लोकतंत्र नहीं है या लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है। लेकिन जब रिपोर्ट बाहर की आती है तो उसमें एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है भारत के लिए डेमोसाइड, जहाँ डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है। जब जर्नलिस्ट फ्रीडम इंडेक्स आता है उसमें भी बहुत नीचे आता है, तो सारे इंडेक्सेस में तो आप नीचे हैं, तो वो गलत कहाँ है? सर, इंडेक्स का जो प्रकाशन होता है उस पर बेसिकली यूरोपियन जो कंट्रीज के प्रकाशन हाउस है उन लोगों का अधिकार ज्यादा है, और यूरोप में जो जैसे वर्ल्ड विश्व बैंक हो गया और संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, यहाँ पर भी यूरोपीय देशों का ही डोमिनेंस है सर, तो ऐसी जो रिपोर्ट्स होती हैं उनमें कहीं ना कहीं सिलेक्टिव अप्रोच होता है भारत के लिए। जैसे सर हंगर इंडेक्स में भारत को 107 नंबर पे दिखाया गया है, जबकि हंगर इंडेक्स के लिए डेटा का कलेक्शन जो है वो मिनिमम 3,000 से 4,000 लोगों को शामिल किया गया है उसमें, और भारत इतना बड़ा PDS कार्यक्रम चला रहा है और लगभग कोविड के समय में 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न वितरण किया गया है, तो इस आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि भारत में पाकिस्तान से भी ज़्यादा भुखमरी है। अच्छा, मेरा इस समय का लास्ट क्वेश्चन, आपके जो विदेश मंत्री हैं वो कहते हैं कि ब्रॉडर रियलिज्म, अगर मैं इसको हिंदी कहूँ तो वृहद यथार्थवाद की ओर बढ़ना चाहिए डिप्लोमेसी को। भारत एक ऐसा देश रहा है जिसने, जैसे आपने भी अपनी कमी बताई, स्पष्टवादी हैं, भारत एक ऐसा देश रहा है जो फिलोसॉफिकल रहा है, किसी को चोट ना पहुँचे, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की ओर रहा है, नैम वाला देश रहा है, लेकिन अब ये कह रहे हैं ब्रॉडर रियलिज्म को अपनाना चाहिए, मतलब जो है वो खुल के बोल देना चाहिए। सर, अभी तक जो भारत की विदेश नीति में एक मुख्य तत्व ये था कि रियलिज्म को पीछे रख के आदर्शवाद को आगे रख के काम किया जाता था, जिसमें जैसे पंचशील सिद्धांत हो गए, नायम हो गए, इन पे फोकस था। आज के समय में सर ये है कि एक तो भारत को अपनी जो स्टेटस है उसको बढ़ाना है, एक विकसित देश बनना है, तो आप तो वैश्विक मुद्दों पर एक अगर स्टैंड नहीं लेंगे तो ये माना जाएगा कि आपकी जो निर्णय क्षमता है वो कमजोर है, और वर्तमान सरकार सर रियलिज्म को थोड़ा सा ये इसलिए भी बढ़ावा दे रही है क्योंकि भारत हर अगर आपदा आती है कहीं पे या कोई बहुराष्ट्रीय संगठन है तो उसमें सुधार और सुरक्षा की बात करते हैं। अच्छा, अभी ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की भारत की बात हुई, ये क्या है ग्लोबल साउथ? सर, ये जो पूरी पृथ्वी है उसमें दक्षिणी भाग में जितने देश आते हैं उन देशों का नेतृत्व करने की बात भारत कर रहा है, जिसमें अफ्रीका हो गया, ब्राजील और इधर लैटिन अमेरिका के देश हो गए, तो
उन देशों की जो समस्याएं हैं, जैसे पर्यावरण का मुद्दा हो गया सर, और WTO में सुधार हो गए, और विश्व में जो UN है उसमें सुरक्षा परिषद में सुधार हो गए, उसको लोकतांत्रिक। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि भारत ये ग्लोबल लीडर के चक्कर में जो अपनी फिलॉसफी है, जो लीडरशिप थी डेवलपिंग नेशन की, जो लिस्ट डेवलप्ड नेशन थे जिनकी बातों के लिए भारत नेतृत्व करता था, ऐसा नहीं लग रहा वो अपने गोल से दूसरी तरफ जा रहा है, अपने आप को स्थापित करने में जो लोगों की, गरीबों की आवाज थी उसको छोड़ता जा रहा है? नहीं सर, भारत अभी भी जो गरीब देश हैं उनके या छोटे कम जनसंख्या वाले देश हैं दक्षिण के, उनकी आवाज तो विभिन्न मंचों पर उठाता रहा है। जैसे सर उरुग्वे दौर या WTO में सुधारों की बात होती है तो भारत कोल को फेज आउट न करने की और फेज डाउन करने की बात कह रहा है, और साथ में जैसे कोई आपदा आती है तो सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में भारत। चलिए सर, अभी देखिए हमारे वित्त मंत्री GST काउंसिल की बैठक ले रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया है कि अब किसी भी स्टेट को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिया जाए। तो आप मुझे ये बताइए कि स्पेशल स्टेटस अगर हम किसी स्टेट को नहीं देंगे तो भारत में जो क्षेत्रीय विषमता है उसको हम कैसे दूर करेंगे? सर, स्पेशल स्टेटस का दर्जा देना एक तो सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ बढ़ाता है। अगर हम स्पेशल स्टेटस के अलावा कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं उस राज्य को विकसित करने के लिए तो वो सरकार कर रही है, उसमें क्षेत्रीय भेदभाव नहीं होना चाहिए। वहाँ पे जो बेरोजगारी की समस्या है और अवसरता की समस्या है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर उस पर काम करने की जरूरत है। नहीं, स्पेशल स्टेटस कॉन्सेप्ट आया ही इसलिए था ना 1969 में, जब यह पता चल गया कि हमारी आज़ादी के बाद से हम पंचवर्षीय योजना चलाए, चार पंचवर्षीय योजना के बाद भी दिखा कि कुछ क्षेत्र विकसित हो गए, कुछ पिछड़े रह गए, तभी लाया गया कि भाई पिछड़े क्षेत्र को भी लाना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड कर दिया, हमारे वित्त मंत्री ने बोल भी दिया और बिहार के वित्त मंत्री ने इसका विरोध भी कर दिया कि अगर आप ऐसा कीजिएगा तो शायद डेवलप्ड नेशन जो स्टेट्स हैं उसके साथ बिहार नहीं चल पाएगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस क्षेत्रीय विषमता को फिर हम कैसे दूर करेंगे? अगर मान लीजिए ये भी टूल हम वापस ले लें तो फिर कैसे दूर करेंगे? सर, उस राज्य की जो क्षमता है सर उसको पहले बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा, केंद्र सरकार से अनुदान और जो लॉन्ग टर्म उनको अगर ऋण की बिना ब्याज के ऋण दिलाए और जो सरकार की कुछ योजनाएं हैं जैसे कौशल विकास योजना हो गई और वहां पे सामाजिक जो विषमताएं हैं उनको दूर करने के लिए सरकार की जो योजना प्रमुखता के आधार पर चलाई जाए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को लागू किया जाए तो सर एक क्षेत्रीय विषमता दूर की जा सकती है राज्य। अभी भारत में एक चीज़ और देखा गया है, रिपोर्ट आई थी एक विश्व बैंक की, उस रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा है कि भारत में जो अर्बनाइजेशन हो रहा है वो अर्बनाइजेशन दरअसल भारत में पॉलिसी में जो लैकुने हैं उसी का परिणाम है। तो आप मानते हैं कि भारत में जो शहरीकरण चल रहा है वह कहीं ना कहीं सरकार की नीतिगत खामियों के कारण बेतरतीब ढंग से फैलता जा रहा है? शहरीकरण में सर यही है कि एक तो नियोजित शहरीकरण नहीं हो पा रहा है भारत में। बड़े शहर हैं उनके अगल बगल लोग बसते चले जा रहे हैं, जमीन लेते जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक तो ना तो कनेक्टिविटी की सुविधा सही से बन पाती है, ना सीवरेज की सुविधा हो पाती है, और एक जनसंख्या का सघन घनत्व तो बसता जाता है, झुग्गी बस्ती बनती चली जाती है, ये अनियोजित शहरीकरण का दुष्परिणाम। कहा जाता है कि अगर आप सुशासन को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आपको तीन कंपोनेंट आपके अंदर होने चाहिए, निष्पक्षता, पारदर्शिता और एक कहा जाता है सत्यनिष्ठा। आपको क्या लगता है इन तीनों में कौन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी प्रशासन को सुशासन में बदलने के लिए इन तीन में से कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? सर, मेरे हिसाब से सत्यनिष्ठा को ज़्यादा महत्व देना चाहिए क्योंकि सत्यनिष्ठा ही सभी मूल्यों का एक समुच्चय जिसको कह सकते हैं। अगर सत्यनिष्ठ नहीं होगा कोई प्रशासन तो वो न सेवाओं की डिलीवरी सही समय पर कर पाएगा, ना उसके अंदर संवेदनशीलता जैसे मूलभूत गुण रह पाएंगे। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा बुलडोजर न्याय व्यवस्था चलाई जा रही है, इनकाउंटर किया जा रहा है, तो ये नहीं लगता है कि जब ये सारी चीज़ें सरकार ही कर रही है तो फिर न्यायपालिका को बंद कर देना चाहिए? क्या जरूरत है न्यायपालिका आपको? अगर ये नहीं हो पा रहा है तो कहाँ क्या ऐसा तंत्र स्थापित किया जाए जिसमें जो कार्यपालिका आपकी है वो उस लाइन को क्रॉस ना करे जो किसी दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा हो? सर, एक तो जो सरकार के द्वारा बुलडोजर और ये सब कार्य किए जा रहे हैं ये कहीं से भी न्यायालय या कानून की अवहेलना के द्वारा उसको हटा के नहीं किया जा रहा। अगर ऐसा होता तो
एक स्वतंत्र न्यायालय के रूप में हाई कोर्ट और अन्य न्यायालय है उस पर संज्ञान लेते हैं और सरकार को प्रतिबद्ध बाध्य करते हैं कि आप ऐसा काम ना करें कि जो हमारे न्याय क्षेत्र को का अतिक्रमण कर रहा हो। दूसरा सर, ये बुलडोजर न्याय का जो कॉन्सेप्ट है ये डिटरेंस पैदा करता है अपराधियों के मध्य कि आप उत्तर प्रदेश में रहकर अपराध को अंजाम देके बच नहीं सकते और उसका परिणाम आपको और आपकी जो आश्रित हैं उनको भुगतना पड़ेगा। अच्छा एक चीज बताइए, क्या जरूरत है कि हम बुलडोजर को लेकर के किसी के मकान को गिरा करके ही अपराधियों के मन में भय पैदा कर सकते हैं? ये तो सभ्य समाज की निशानी नहीं है। सर सभ्य समाज की निशानी नहीं, लेकिन जो समाज में अपराध की संख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है सर, तो एक डिटरेंस क्रिएट करके लोगों को ये प्रशासन में विश्वास भी दिलाना है कि जो सरकार है वो अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पे चल रही है और इसलिए सरकार का यह प्रयास है कि जब विपक्ष विहीन प्रजातंत्र, प्रजातंत्र के लिए वरदान है या अभिशाप? सर प्रजातंत्र के लिए अभिशाप इसको माना जाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष जो है एक तो सरकार की जो कमियां है उसको जनता तक पहुंचाता है, दूसरा सर ये कि विपक्ष एक सशक्त विपक्ष ही एक सशक्त लोकतंत्र को स्थापित रखने में सहायक हो सकता है। तो यदि विपक्ष कमजोर होगा तो सर ना तो जनता की जो मांग है वो सरकार तक पहुँच पाएगी और ना सरकार के अंदर जो कमियाँ हैं वो जनता तक पहुँच पाएगी। मेरा लास्ट प्रश्न है, अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है उसमें भारत 85th रैंक पे है फिर, और यह चीज़ बता रहा है कि कहीं ना कहीं दक्षिण एशिया में या कह लीजिए कि इंडो पैसिफिक रीजन में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए प्रॉपर तरीके से मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया गया है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकार समय समय पर नियम कानून लाते रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी अगर आप देखिए तो आए दिन अखबारों में किसी न किसी भ्रष्टाचार के खबर से भरी पड़ी रहती है। तो क्या कारण है कि इतने सब करने के बावजूद आज भी भारतीय जनमानस या कोई भी जो महत्वपूर्ण पद पर है उसके मन से भ्रष्टाचार की लालसा हम खत्म नहीं कर पाए? सर एक तो भ्रष्टाचार को लेके सोशल एक्सेप्टेंस देखी जा रही है भारतीय समाज में, जो गरीब तबका है वो भी अपना काम करवाने के लिए 150 रुपए लेखपाल को या जो छोटे कर्मचारी उनको देने में आगे रहता है। दूसरा ये सर कि जो सोसाइटी में एक भौतिकवादी कल्चर विकसित हुआ है जहां पर लोग अपनी इनकम के जितनी उनकी इनकम होती है उससे अधिक उनकी खर्च करने की आदत होती है, तो उस खर्चे की पूर्ति के लिए वो भ्रष्टाचार को एक त्वरित माध्यम के रूप में उपयोग करते हैं जिससे कि उनका अपना विकास कर सके। तीसरा सर प्रशासन के स्तर पर कुछ चूक होती है कि आंतरिक जांच समितियां नहीं होती हैं और जो नागरिकों में भ्रष्टाचार से जुड़े अपराध जो है उनके बारे में जागरूकता की कमी है कि कोई अगर भ्रष्टाचार करता है तो कहाँ रिपोर्टिंग करें, ये कुछ बेसिक कमियां हैं जो भारत में अभी भ्रष्टाचार को बढ़ाए रखे सर। भूपेश, फिल्में देखना पसंद है आपको सामाजिक मुद्दों पर, कोई फिल्म देखी अभी हाल में? डार्लिंग मूवी आई थी सर, उसको मैंने देखा। कब आई थी ये? 3-4 महीने पहले आई थी सर, ओटीटी पे जल्दी आई है। एक मूवी अभी आई है शाहरुख खान की पठान, वो देखी आपने? जी सर। क्या उससे कुछ मतलब वो विवाद पैदा हो गया खासकर उत्तर प्रदेश में, क्या है विवाद उसमें सर? एक जो उसकी नायिका है दीपिका पादुकोण, उन्होंने गाने में भगवा कलर की बिकनी पहनी हुई थी तो उसको लेकर ये लोग विवाद कर रहे थे, उसमें गाने के बोल थे बेसर रंग। तो उत्तर प्रदेश में जो विवाद हुआ था वो इस बात पे हुआ था कि एक तो भगवा रंग है उसको आप बेसर कह रहे हैं, इसी को लेकर धमकी भी दी गई थी कि इसको रिलीज ना किया जाए उत्तर प्रदेश में। तो ये सही है धमकी देना, हमला करना, ये गलत है? सर ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी है, रंग को किसी धर्म से हम जोड़ के नहीं दे सकते और हमारा संविधान भी उसमें भी 3 रंग है, भगवा भी है, सफेद भी है, हरा रंग भी है। लेकिन समाज में तो रंग की मान्यता, रंग का एक्सेप्टेंस है धर्म के रूप में, किसी मजार पर आप जाकर कहेंगे कि हरा रंग हटा करके भगवा रंग से उस मजार को ढक दीजिए तो लोग मानेंगे? सर रंग की एक्सेप्टेंस धर्म में भी है, जैसे अजमेर शरीफ जो दरगाह है वहाँ पे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक चादर भेजी गई थी जिसका रंग भी भगवा कलर का था, तो कोई ये मान्यता ये नहीं है कि हरा रंग ही वहाँ पे चढ़ाया जाएगा, वैसे भी चुनरी के रूप में हरे का भी प्रयोग होता है। बलरामपुर से आप आते हैं ना? जी सर। सेक्स रेशियो कितना आपके जिले का? 928 याद नहीं सर, क्लियर चलिए मैं बताया था 928 है। इसको बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? एक तो जो वहाँ पे महिला शिक्षा की दर है वो निम्न है, 49 पॉइंट कुछ समथिंग है, तो अगर महिलाओं को शिक्षित किया जाएगा सर तो
एक तो ये सहायक होगा उसमें कि जो लिंग अनुपात है वो बढ़ेगा, दूसरा जो उनकी पितृसत्तात्मक सोच है वहाँ पे इस पे काम करने के लिए जागरूकता रहे। तो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म दो तीन उपाय आप डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी बने हैं कि जो जैसे भ्रूण जांच के लिए जो अवैध रूप से अस्पताल या ऐसे कुछ चल रहे हैं प्राइवेट अस्पताल, उन पे एक सख्ती से नियंत्रण होना चाहिए। और जो सरकार की एक मुख्य योजना है कि वो भ्रूण हत्या को रोकने के लिए प्रभावी उपाय बन सकती है। आपके जिले का ओडीओपी क्या है? दाल है सर, प्रसंस्करण के क्षेत्र। अच्छा, दाल कौन सी दाल है? इसमें पांच प्रकार की दालें हैं सर, अरहर है, उड़द है, मूंग है, मसूर है और तिल भी एक और है। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी हम दलहन के उत्पादन में काफी पीछे है ना, क्या करना चाहिए प्रमोट करने के लिए? राष्ट्रीय स्तर पर दालों को प्रमोट करने के लिए सर, एक तो किसानों को दाल के उत्पादन के लिए जो सरकार अगर ऐसे कुछ बीज उपलब्ध कराए जिनको कम समय में जो तैयार हो जाए, कीट और जो अन्य शाकनाशी हैं उनके प्रति अगर वो टॉलरेंट होंगे तो किसानों में एक आत्मविश्वास आएगा और वो उत्पादन करेंगे। दूसरा उसका जो मूल्य है वो उनको मिलना चाहिए। ऐसा भी सरकार कहाँ से लेकर कहेगी? साइंस और शोध का विषय है, सरकार को इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बढ़ाने की जरूरत है। अच्छा ठीक है, अभी जुडिशरी पर बातचीत चल रही थी, हमारे देश में जो कॉलेजियम सिस्टम है ये सही है या गलत है? सर कॉलेजियम सिस्टम सही भी है और उसमें कुछ ऐसी कमियां हैं जिसके आधार पर इसकी आलोचना की जाती है, क्योंकि अगर सर न्यायपालिका में कार्यपालिका विधायिका का हस्तक्षेप हो जाएगा तो एक तरीके से नागरिकों का भी विश्वास न्यायपालिका से उठने लगेगा। मतलब कार्यपालिका और विधायिका विश्वास लायक नहीं है? ऐसा नहीं है सर, लेकिन न्यायपालिका की सुचिता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें जो न्यायाधीश हो बिना पक्षपात के और बिना किसी के दबाव में आकर अपना निर्णय ले। इसलिए जो कॉलेजियम की प्रणाली है वो सही है, लेकिन उसमें कुछ सुधारों की जरूरत है जिससे कि जो इसके ऊपर आरोप लगते हैं भाई भतीजावाद और योग्यता को ना कंसिडर करने का, उसको दूर किया जा सके। एनजेएससी लाने से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इस समस्या का समाधान हो सकता है? सर एनजेएससी को लाने से इसका पूरी तरीके से समाधान नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें सरकारी प्रतिनिधि होंगे और सुप्रीम कोर्ट के भी प्रतिनिधि होंगे, तो सरकार का भी फिर हस्तक्षेप उसमें। क्या है एनजेएससी का स्ट्रक्चर बताइए सर? उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे और बाकी दो वरिष्ठ न्यायाधीश रहेंगे, सरकार की तरफ से नामित दो लोग रहेंगे और एक वरिष्ठ कोई कानून वेत्ता रहेगा, एक लॉ मिनिस्टर रहेंगे हमारे। तो समस्या क्या है? बोल तो फिर भी जुडिशरी के पाले में ही है, लेकिन सर उसमें फिर ये टकराव हो जाएगा कि जो जुडिशरी और सरकार के द्वारा जो न्याय नाम रिकमेंड करके भेजे जाएंगे, अगर सरकार उस पे सहमत नहीं है तो फिर वो उसको वापस कर देगी राष्ट्रपति के माध्यम से पुनः। तो एक सिद्धांत चलता है पृथक्यकरणता का सिद्धांत, शक्तियों के पृथक्यकरण का, किस आर्टिकल में है ये? डीपीएसपी में है सर, 50 में। ठीक है, तो उस सिद्धांत का उल्लंघन नहीं हो रहा है कॉलेजियम सिस्टम से? सर एक तो संविधान में जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को अधिकृत किया गया है, मतलब कार्यपालिका को शक्ति दी गई थी है ना जी राष्ट्रपति के माध्यम से, और तो दूसरा जो जज के सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं सीजीआई हैं उनके परामर्श से राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करनी थी, लेकिन सर जो 3 जजेस केस हुए थे उसमें से लास्ट जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी जो सहमति होगी उसको। वो प्रक्रिया है जैसे कि सिंपल सा कि कॉलेजियम सिस्टम शक्तियों के पृथकीकरण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है या नहीं करता है? क्लियर नहीं, क्लियर नहीं। अच्छा अभी आज यूपी का बजट आया है ना, कुछ देखने का मौका मिला है आपको थोड़ा बहुत? जी सर थोड़ा सा। कैपिटल बजट के लिए कुछ किया गया है? ये तो नहीं, कुछ योजनाओं को मैंने देखा है। अच्छा कोई बात नहीं, कैपिटल बजट क्या होता है? सर पूंजीगत व्यय के लिए जो काम बजट में आवंटन किया गया है उसमें कैपिटल बजट। आय और व्यय का कुछ इसमें होता है? अच्छा, अभी जैसे कि हमारे जो देश का बजट पेश हुआ था उसमें पूंजीगत व्यय को काफ़ी तेजी से बढ़ाया गया, काफ़ी 33% के आसपास, तो इतने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना वित्त मंत्री ने जैसा बोला कि इससे हमारी इकोनॉमी को काफ़ी फायदा होगा, वो संभव है या नहीं है? सर अगर पूंजीगत व्यय बढ़ेगा तो आर्थिक जो गतिविधियाँ होंगी वो एक चक्र के रूप में चलेंगी और उसका अंततः लाभ जो है भारत की अर्थव्यवस्था। 10,33,000 10,50,000 करोड़ रुपया खर्चा कर पाना सरकार के बस की बात है अभी? सर क्योंकि सरकार इस समय जो निवेश हो रहा है और उसके माध्यम से सरकार जो अवसंरचना परियोजनाओं को लागू कर रही है उसको देखते हुए सर ये बजट खर्च किए जाने होंगे।
अच्छा, मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन कि पाकिस्तान अभी जिस हालत से गुजर रहा है, कमजोर स्थिति से गुजर रहा है, हम लोग को कब्जा कर लेना चाहिए क्या पाकिस्तान पे? सर ये एक लोकप्रिय मांग हो सकती है, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में दूसरे राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान करना भारत के हित में है, और परमाणु संपन्न राष्ट्र होने के नाते पाकिस्तान भी एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है। अगर ऐसा कोई हम काम करते हैं तो हमारे राष्ट्रीय हित के विरुद्ध होगा और युद्ध होने की संभावना भी बढ़ सकती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और, पाकिस्तान को अगर हम भारत में शामिल कर लेते हैं, वहाँ के लोग अपनी सहमति देते हैं कि हाँ हम शामिल होने के लिए तैयार हैं, अगर पाकिस्तान भारत में शामिल हो जाता है तो एक कोई चुनौती बताइए जो सबसे बड़ी चुनौती पैदा होगी इस संदर्भ में पाकिस्तान के भारत में शामिल हो जाने से। सर सबसे बड़ी चुनौती तो आतंकवाद की बढ़ सकती है, क्योंकि हमारी फिर सीमा अफगानिस्तान से सीधे लगने लगेगी, और अफगानिस्तान में इस समय तालिबान का शासन है, और पाकिस्तान में भी तहरीके तालिबान नाम की उसकी एक जो यूनिट है वो काम करती है आतंकी हमले, मतलब आतंकवाद की समस्या। ठीक है सर, डिफेंस स्टडीज आपने पेज से में पढ़ा हुआ है, और उसमें एक चैप्टर होता है इंटरनल सिक्योरिटी का। जी, तो पहली चीज तो मैं जानना चाहता हूँ कि कई बार हम लोग डिफेंस यूज करते हैं, कई बार सिक्योरिटी यूज करते हैं, कई बार सेफ्टी शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, इसमें क्या अंतर है? जहाँ तक मुझको पता है कि जो डिफेंस का यूज होता है वो आंतरिक और बाह्य रूप में कोई खतरा आता है तो उसके लिए डिफेंस शब्द का यूज किया जाता है। आंतरिक और बाह्य दोनों के लिए? बाह्य खतरों के लिए सर, पॉलिसी क्लियरिटी में, लेकिन जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है वो सुरक्षा का। आपने जो डिफेंस स्टडीज उसको सिक्योरिटी स्टडीज क्यों नहीं पढ़ा आपने, या उसका नाम कर दें तो? डिफेंस स्टडीज ही था वो। हम सिक्योरिटी स्टडीज कहें तो क्या गलत हो जाएगा? सर ये आप सिक्योरिटी स्टडीज में आंतरिक सुरक्षा का मामला। जब संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था तो उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हमारी आंतरिक सुरक्षा को चुनौती है, सुरक्षा को नहीं आंतरिक सुरक्षा को चुनौती है, तो क्यों उन्होंने ऐसी बात कही थी? सर क्योंकि ये देश के एक संप्रभु निकाय के ऊपर। आंतरिक सुरक्षा शब्द क्यों इस्तेमाल किया? आंतरिक तो इंटरनल जो हमारी एजेंसियां हैं, ये इंटरनल जो सुरक्षा थी उस पे रक्षा मामलों को चुनौती कहा जा सकता था, हमारे डिफेंस को चुनौती यही है। सर ये आंतरिक इसलिए कहा गया क्योंकि हमारे जो पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल है, तो किन किन सेगमेंट में आप अच्छा महसूस करते हैं या कहाँ ज़्यादा आपकी स्टडीज रही हैं? आईआर में रही हैं। ठीक है, तो एक तो एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आईआर के संदर्भ में भी आपका जो पास कोड था 1990, इसका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दृष्टि से भी देखें तो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है, तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या हुआ था जरा बताइए कुछ? सर एक सोवियत संघ का विखंडन हुआ था 15 स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में, ये बहुत बड़ा प्रभाव था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, क्यों वैचारिक रूप से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो टकराव था सीटी वो समाप्त हो गया, और एक साम्यवाद के गढ़ के रूप में सोवियत संघ का विघटन हो गया। और भारत के संदर्भ में सर इसका ये प्रभाव पड़ा कि भारत ने एक विश्वसनीय मित्र के रूप में सोवियत संघ को एक कॉन्सेप्ट आई थी, या उस समय कहा जाता था इंडिया ऑफ आइडियोलॉजी डेनियल बेल की। लेकिन अभी जो इस तरह का रसिया यूक्रेन वार का संदर्भ चल रहा है, आपको क्या लगता है ये फिर से आइडियोलॉजी की जंग है या कुछ और है? सर इंडिया ऑफ आइडियोलॉजी की जो विचारधारा जहाँ तक मैंने पढ़ी है उसमें सर ये था कि जो राष्ट्र होते हैं एक स्तर पर आने के बाद जब आर्थिक विकास उनका होने लगता है तो विचारधाराओं को बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे चीन के संदर्भ में देखा जाए तो चीन एक साम्यवादी देश है, लेकिन आर्थिक विकास के लिए उसने अपनी नीतियों को बदला है, हांगकांग जैसे ऑटोनॉमस स्टेट को बना दिया है। वर्तमान के संदर्भ में भी सर आइडियोलॉजी को बहुत ज़्यादा राष्ट्र महत्व नहीं देते हैं, वो अपने राष्ट्रीय हितों को भी ज़्यादा प्रभावी मानते हैं। चलिए, तो रसिया यूक्रेन वार का जो घटनाक्रम है इतने दिनों से लगभग चल रहा है, तो उस घटनाक्रम से भारत और चीन क्या सबक ले सकते हैं? भारत और चीन के संदर्भ में सर ये सबक हो सकता है कि जैसे चीन ताइवान पे अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है, तो अगर चीन बाय फोर्स ताइवान पे आक्रमण करता है तो अमेरिका ताइवान को फिर अप्रत्यक्ष रूप से मदद दे सकता है, और रूस और यूक्रेन वाली सिचुएशन भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के संदर्भ में भी उत्पन्न हो सकती है। चलिए, इसी से संबंधित मेरा एक प्रश्न है, चूँकि आपने आईआर की बात की, कोविड के दौरान WHO की भूमिका हमने देखी, और
रसिया यूक्रेन वार के दौरान हम यूएनओ की भूमिका देख रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि जहाँ पर इस तरह की वैश्विक शक्तियाँ इन्वॉल्व हैं, पास्ट में भी हमने देखा है कि वहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ उनका महत्व खत्म होता जा रहा है, तो इन संस्थाओं का आप क्या भूमिका रह जाती है? सर, क्योंकि जो ये संस्थाएं हैं उनमें डोमिनेंस जो है यूरोपियन कंट्रीज का है, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, तो ये क्या करते हैं कि अपने जो राष्ट्रीय हित है उनको इन बहुराष्ट्रीय मंचों के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। रसिया यूक्रेन के युद्ध में देखा गया कि सर जब भी यूएन में कोई प्रस्ताव आया युद्ध को समाप्त करने का, तो रसिया ने उस पर वीटो का स्टैंड लिया और अंततः वो पास नहीं हो पाया। तो इसका दुरुपयोग किया जा रहा है राष्ट्रों के द्वारा, इसमें सुधार होने चाहिए सर। और इसको और नहीं तो इनकी कोई प्रासंगिकता बची हुई है फिर? प्रासंगिकता एक युद्ध जो है इतने दिनों से लगभग 11-12 महीने होने जा रहे हैं, चल रहा है, तो उसकी क्या प्रासंगिकता रह गई कि हम तो एक युद्ध नहीं खत्म कर पाए? सर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये माना जाता है कि राष्ट्र एक संप्रभु इकाई के रूप में निर्णय लेते हैं और जो बहुराष्ट्रीय समूह होते हैं वो अपनी स्वेच्छा से उसको ज्वाइन करते हैं। अगर कोई कोएर्सिव मेजर उठाया जाता है तो एक तो रसिया वीटो पावर होने की वजह से रोक दे रहा है, लेकिन इन संस्थाओं की अभी भी उपयोगिता बनी हुई है क्योंकि ऐसे कुछ छोटे देश हैं जहां पर हिंसक घटनाएं होने की संभावना होती है। अच्छा, अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूक्रेन की यात्रा की है, तो उससे क्या लगता है कि ये जो यूक्रेन वार, रसिया यूक्रेन वार, ये बढ़ेगा या और एग्रेसिव होगा या उसमें कुछ समाप्ति की तरफ बढ़ेगा ये? सर, यूक्रेन और रसिया के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जो यूरोपीय देश है, अमेरिका है, वो अपने अपने हित भी साधने का प्रयास कर रहा है कि उनके हथियारों का एक बहुत बड़ा व्यापार है, तो इस तरीके से वो अगर यात्रा कर रहे हैं तो इतनी जल्दी ये युद्ध समाप्त होने वाला नहीं है। इस पर एक गहन सहयोग की जरूरत है जिसमें भारत, चीन और रूस और यूक्रेन। ठीक है, थैंक यू। ओके, पावर और अथॉरिटी में क्या अंतर है? सर, पावर एब्सोल्यूट भी हो सकती है, उस पर कोई नियंत्रण भी नहीं हो सकता है, और अथॉरिटी में एक शक्ति भी होती है लेकिन उस पर एक नियंत्रण होता है, जैसे संविधान का नियंत्रण हो गया या अन्य किसी पर, और अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पावर अथॉरिटी। अभी आपने जो शब्द कहा उसमें एक बड़ा फेमस कोट है, किसका है बताइएगा, और आप बिलीव करते हैं इसमें? पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। ये नाम नहीं याद आ रहा, लॉर्ड एक्टन का सर। एकदम सही है, एक्टन का है। आपको लगता है ये सही स्टेटमेंट है? सर, ये सही है क्योंकि अगर किसी को पूरी तरीके से शक्ति प्रदान कर दी जाती है तो उसके अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, तो ये संभावना है कि वो हिटलर जैसा नाजी या। चलिए, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड। हम फेडरल स्ट्रक्चर लेके चलते हैं, सेंटर स्टेट के बीच समन्वय को लेके चलते हैं। मान लीजिए कोई एक नियम बना रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य जो है वो कन्विंस नहीं है, तो डेमोक्रेसी उसका भी अपना राइट है, तो क्या उसके पास विकल्प हैं स्टेट के पास? सर, सबसे पहले तो जो केंद्र और राज्य के मध्य आपसी सहयोग का मैकेनिज्म है उसका उसको उपयोग करना चाहिए, जैसे नीति आयोग हो गया, राष्ट्रीय एकता परिषद हो गया, और एक और संस्था है सर, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसमें अपनी बातों को उठाना चाहिए। अगर इससे भी समाधान नहीं होता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हैं, क्योंकि केंद्र राज्य किस आर्टिकल के तहत? केंद्र राज्य के मध्य विवादों का जो अपीलीय अधिकार है सर, आर्टिकल याद नहीं है। लास्ट में, ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या है? अभी आपने कहा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? ये पॉजिटिव टर्म है सर, नीति आयोग ने इसको बढ़ावा देने का प्रयास किया है। ये बेसिकली राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा और राज्य और केंद्र के मध्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, जैसे सर आर्थिक क्षेत्र हो गया या सामाजिक विकास से जुड़ी योजनाएं हो गई, उनको लागू करने में राज्यों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। अभी सीईओ कौन बना नीति आयोग का? ए बी पद्म। ओके, थैंक यू, कैन गो नाउ। थैंक यू, थैंक यू सर।